और आपको एक खास चीज दिखाएंगे जहाँ पे, समझ गए। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी रियाद कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरबिया। मेरे साथ में हैं उमेश भाई। उमेश भाई के पास में मैं कल आ गया था, लास्ट वीडियो में देखा आपने उमेश भाई कैसे इमोशनल हो गए। भाई साहब थोड़ा सा बता दीजिए आप कहां से हैं, क्या हैं? बेसिकली हमारे पूर्वज यूपी के हैं, लेकिन हम लोग फोर्थ जनरेशन से वेस्ट बंगाल में सेटल हैं। ओके ओके। और मैं 26 साल से सऊदी में जॉब कर रहा हूँ। अरे भाई साहब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, फिर तो मुझे अच्छी चीज मिल गई कि एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए था जो कि सऊदी को अच्छे से मेरे को एक्सप्लोर करवा सकता है। तो इस वीडियो में थोड़ा खास होने वाला है, और उमेश भाई का एक चैनल भी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। नाम क्या है? इंडियन एवरीवेयर। तो आज का वीडियो जो है रियाद सिटी को एक्सप्लोर करते हुए आपको अद्भुत अद्भुत सी चीजें जो रियाद में होती है नॉर्मली दिखाने वाला हूँ, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे 26 साल से हैं। अभी हम लुल्लू की तरफ जा रहे हैं, तो लुल्लू की तरफ जाते हुए भाई उसके सामने कौन सा ऑफिस है भाई साहब, बता रहे थे क्या था? जवजात का ऑफिस है। अच्छा, उसमें क्या होता है? जैसे हम पहले ना, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑनलाइन हो गया। जब पहले ऑनलाइन नहीं था तो आपको जो वर्क परमिट बनना है यही बनता था, वर्क परमिट आके लेना पड़ता था। आपको छुट्टी जाना है ना, तो जैसे सऊदी में जो लोग जॉब करते हैं उन्हें पता होगा जो छुट्टी जाने के लिए एग्जिट री एंट्री होता है। अच्छा, तो एग्जिट री एंट्री लेने के लिए भी मैनुअली पहले यहाँ आना पड़ता था। आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स होने की वजह से नहीं जाना पड़ता। अभी मन किया तो उठ के नहीं जा सकता हूँ मैं। अच्छा। कंपनी में से वो एग्जिट री एंट्री लगेगा तो ही जा सकते हैं आप। इन इमरजेंसी भी नहीं जा सकते? जा सकते हैं जब दिल करे तब, लेकिन वो एग्जिट एंट्री आपको लेना पड़ेगा तभी आप जा सकते हैं। भाई कंपनी नहीं अलाउ करती तो आप नहीं जा सकते। कंपनी के पूरे कंट्रोल में, अभी भी पूरे कंट्रोल कंपनी के हाथ में है। अच्छा, एक दिन देना पड़ता था, दूसरे दिन लेना पड़ता था। इमरजेंसी में भी होता था, मैं इमरजेंसी में लिया हूँ 2 मिनट में। लेकिन यहाँ आना पड़ता था। ये टैक्सी है? हाँ, ये टैक्सी है कैमरी जो बिना मीटर के चलती है यहाँ पे। अच्छा, बिना मीटर के चलती है? बिना मीटर, सऊदी में बिना मीटर के चलती है। दुबई में तो फाइन कर दे। तो हम पहुँच गए धीरा एरिया में, धीरा बोलते हैं इस एरिया को। तो जहाँ पे पुराने किंग जो थे इनके, वो यहाँ पे रहते थे। तो ये कच्चे घर होते थे पहले, इसमें वो लोग रहते थे। तो अभी हम इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे और आपको एक खास चीज दिखाएंगे जहाँ पे, समझ गए। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना। ये ओल्ड सिटी है, अभी कोई ओल्ड नहीं मिलेगा, होलसेल तो मॉडर्न हो गया ना। किंग था, ऐसी घर में रहते थे। अच्छा, पहले ऐसे ही घर में रहते। उधर भी जा सकते, उस गली में घूम के आ सकते। मुश्किल है, घूम के लिए आता है ना टूरिस्ट, इसके लिए बना हुआ है। इसके पीछे जो है ना पाकिस्तान के आदमी जाकर रहते हैं। इसके पीछे सस्ता मिलते है, इसमें नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते उस तरह। अच्छा अच्छा, ये फोर्ट है फिर एक तरह से, किला किला किले की तरह है वो जो हमारा उधर रहता है ना किला, मिट्टी का बना हुआ है ये पूरा। तो अब हम थोड़ा सा फोर्ट के अंदर घूम के आते हैं। भाई ये फोर्ट है पुराना, अरबी में 1319। अच्छा, अभी चल रहे 1446 अभी 1446 अरबी कैलेंडर के अंदर में। अच्छा, इधर 130 साल पुराना है। यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ जाती थी, तो ये किंग पैलेस था यहाँ के राजा का जो था। छत भी उसी टाइम की बनी हुई, लकड़ की छत है। कितने एक डेवलप थे, आप ये चीज लगा लो कि कच्चे घर होते थे और 1900 कुछ में बने हुए, मतलब 1900 मतलब आज से 60-70 साल पहले तक भी ये यूज करते थे इसको। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जो ही तेल मिला उसके बाद में इन लोगों की काया पलट होगी, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं था। ये फोर्ट का देखिए, फर्स्ट फ्लोर का वो बना रखा डायग्राम, और ये लेटेस्ट पिक्चर है इसके। दरवाजे वरवाजे देखिए, कलर वलर सब। और ये काम होता था भाई, 1902 में कोई वॉर हुआ होगा उसका वो है। हमारे इंडिया में तो 1300, 1400, 500 साल, 600 साल पुराने गेट जो है इससे स्ट्रॉन्ग होते थे, तो ये तो कुछ भी गेट नहीं है। ये हथियार इनके हैं, ओमान का सिंबल है, ओमान के लोग जो है इसको रखते थे। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, सीढ़ियाँ देखो पहले पुराने टाइम की इनकी। पुराना कुआ है ये, पानी का कुआ। इधर जो हज का जो खुतबा देता है सऊदी मक्का में, अरफा का दिन जो खुतबा देता है ना इधर के इमाम। अच्छा, ये तकरीबन 36 इयर्स खुतबा दिया, उसका वो आँख से नहीं देख सकते। ओके, अभी 3 साल से नहीं दे रहे, दूसरा इमाम दे रहा है। हाँ, अभी वो चेंज हो गया। एरिया वाइज मक्का मदीना के बाद में सबसे बड़ा मस्जिद है ये सऊदी में। तो दोस्तों अल्टीमेटली हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे कि ये जो आपका एक सज़ा दी जाती है, कहते हैं ना बहुत छोटे होते थे सुनते आते थे कि सऊदी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे अगर रूल तोड़ दिया तो आपका गला काट दिया जाएगा, ऐसा कहावतें थी, हमने कहावतें देखी। तो हमारे साथ उमेश भाई हैं। उमेश भाई थोड़ा बताओ ना क्या था यहाँ का रूल वगैरह। क्या एक्चुअली क्या था, पहले का रूल जो था ना बहुत कड़ा था,
मौत का सजा मौत था, माफी तो थी नहीं। तो पहले क्या होता था कि इसी जगह पे ना फ्राइडे को जो जुमा बोलते हैं, फ्राइडे के नमाज के बाद ना यहीं पर सजा दी जाती थी, मैं जिसका धड़ पूरा अलग कर दिया जाता था। इसलिए किया जाता था पब्लिक में कि दूसरे वो देख कर ना लोग डरें। अच्छा। वो देखे तो लोग दूसरा लोग भी ये काम ना करें। आज के डेट में ये पब्लिक में नहीं होता है और जुमे के दिन नहीं होता, किसी भी दिन होता है। सजा तो है आज के डेट में, लेकिन वो सजा तो अभी कितनी सजा हो जाती है साल में? होती है कुछ सजाएं यहाँ पे मौत की? हाँ, होती है सजा, बट वो उसमें फांसी होती है या फिर चौप होता है, कलाम होता है? होता है, जैसे इंडिया में उस दिन पहले तकरीबन। आप आजिए 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 आजिए। हाँ, ये भाई साहब हैं हमारे तो बांग्लादेश के राजा हैं। तकरीबन 5-6 महीने पहले इधर का एक सिंगर था, बस बहुत फेमस था, उसका काजिन था, उसके साथ छोटा से बड़ा हुआ, ऐसा साथ में बड़ा हुआ, वो हंस खेलने में वो उसका हाथ से मर गया। अच्छा। फिर उसको इधर से साझा हो गया, वो जो सिंगर का है वो बहुत फेमस था, बहुत फेमस। अच्छा। ये सोदी का है। फिर उसको वो माफीनामा मांगा, उसका फैमिली से बहुत कुछ मांगा, वो उसका गुत्र का था, उसका काजिन था, फिर उसको माफ नहीं किया, उसका साझा जो था गला कटने का वही था, कोई माफ नहीं मिलते इधर। जो आपका हाथ से किसी का कत्ल हो जाएगा फिर आपका भी ऐसा हो जाएगा, इधर कोई माफीनामा नहीं मिलता। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं भाई? इसके वो धीरा, इधर जो जुम्मा के बाद जो आदमी साझा होता है फिर इधर आन के फिर इधर गला कटता था, इधर गला काटता। इस अभी इस एरिया को कौन सा चौप चौप चौक बोलते हैं? क्या बोलते? चौप चौप इधर नहीं, हम लोग जो इधर अरबी अरबी में क्या बोलते उसको मालूम नहीं, लेकिन इधर जो धीरा मस्जिद के सामने इधर ये जो एरिया देखते हैं आप, ये पूरा पूरा एरिया, इसमें जो इधर का जो शेख है जो सुप्रीम कोर्ट का बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया का जो बोलते हैं जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसमें इसके अंदर सब कोर्ट है, सब कोर्ट है। इधर पुराना मस्जिद है, बहुत बड़ा मस्जिद है, बहुत बड़ा। मेरे जो साइड में देख रहे हो ना आप, ये इमाम का हाउस है। तो इमाम जो है यहाँ के इस मस्जिद के यहाँ पे रहते हैं और कहते हैं कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा सिक्योरिटी है इस जगह की और ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो उमेश भाई बताइए, जो बता रहे थे कि सजा का क्या प्रावधान रहता है यहाँ? सजा का प्रावधान ऐसा है ना कि राज भाई, जो सजा हो गई ना तो उसे यहाँ का राजा भी बदल नहीं सकता है। उसको बदलने का दो ही लोगों का अख्तियार है, जो उसके ब्लड रिलेशन, जैसे माता पिता, जिसकी शादी नहीं हुई है उसके माता पिता, और जिसकी शादी हो गई उसके बीवी बच्चे को ये है। अच्छा। तो कुछ दिन पहले ने एक फेमस यहाँ का सेलिब्रिटी था, तो उसको माफ कराने के लिए उसके पूरे कबीले के लोग, पूरे इलाके के लोग, जितना भी पैसा देने के लिए, वो अपना जो सर का पगड़ी भी है ना, जिसे हम अपने इंडियन भाषा में पगड़ी बोलते हैं, वो सब भी लेकर गए थे। ये उसका जो बांधते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुत्रा, और वो जो काला है उसको ऐसे हम चालू भाषा में टायर बोल देते हैं, लेकिन उसका कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड भी है, लेकिन ऐसे इसको टायर बोलते हैं तो वो समझते हैं, और ये ऊपर वाले को गुत्रा बोलते हैं। अच्छा। तो ये लोग सब लोग पहनते हैं कलर का, जैसे ठंडी के दिन में आएगा ना तो ये भी, मैंने जैसे हमारे ऊनी आता है ना, ऊनी आ जाता है, और ऐसे सादा लाल तो रंग बिरंगा मिलते रहता है। और एक और ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में आपको बता दूं राज साहब, कि जब इनके जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ना, उसमें आप ये टी शर्ट पैंट में नहीं जा सकते हैं, वो ट्रेडिशनल ड्रेस में ही जाना है, और ये पूरा सर ढक के जाना है। ऐसे अच्छा। नहीं कि ये टी शर्ट शर्ट में पहनते घूमते हैं, ये बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन यदि गवर्नमेंट जॉब ऑफिस में जाना है तो आपको पूरा प्रॉपर सऊदी ट्रेडिशनल ड्रेस में जाना है, नहीं तो आपको एंट्री नहीं। जैसे मैं जवाजात बता रहा था आपको, वो सब जो ऑफिस में जाना है या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, तो आपको बकायदा वहाँ यहाँ का जो सऊदी ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें जाना है। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आप सऊदी में रह के आपने 26 साल में सीखी है, देखी है, आपने कितना बदलाव देखा है सऊदी में, ये बताओ, सच्ची बताओ। 26 साल में जो वहाँ बैठते हैं आप, वहाँ बताओ ना कि मैंने 365 डिग्री का टर्न देखा है। 365 डिग्री का? हाँ, यहाँ पे 360 का होता है, वैसे 65 का होता नहीं है। हाँ सही बोला आपने, 360 सही। देखे मेरी माता बहनें जो घूम रही हैं बिना बुरखा का, उस जमाने में तो संभव ही नहीं था। अच्छा। ठीक है, उस जमाने में हम लोग टीवी भी, सैटेलाइट टीवी भी नहीं लगा सकते थे आप। अच्छा। और आप फोन तो था ही नहीं। ठीक है, फोन करने के लिए आपको एक बूथ बनी हुई थी, वहाँ पर्टिकुलर जाना था। मोबाइल आई हुई नहीं थी, जब मोबाइल आया आस्ते आस्ते तो सऊदीज के लिए आया, नॉन सऊदीज के लिए आया, तो 8 नंबर पे ही आप डायल कर सकते थे, वो 8 नंबर आप उनको देना है तो वही 8 नंबर पर डायल कर सकते थे, जो फैमिली बोलते थे उसको। अच्छा। उसके बाद सऊदी में सिम आया, तो अभी जो देख रहे हैं ना बहुत रिफाइंड देख रहे हैं, कि लोग घूम रहे हैं, कर रहे हैं, औरतें जॉब कर रही हैं। मैं जब काम करता था ना तो मेरे कंपनी में 2000 वर्कर थे, लेकिन एक भी बंदा उसमें सऊदी नहीं था। अच्छा।
मतलब सऊदी तो प्राइवेट में काम ही नहीं करते थे, जो भी करते थे गवर्नमेंट्स में ही जॉब वॉब करते थे थोड़े बहुत, और बाकी तो कहीं नहीं करते थे। आज के डेट में तो नेक टू नेक मैंने हमारे साथ वो काम कर रहे हैं, लड़का बोले, लड़की बोले, औरतें बोले, मर्द बोले, सब माने औरतें देखें आप गाड़ी चला रही हैं यहाँ, पहले आप सोच भी नहीं सकते थे। ये चेंज कितने साल में आया? ये तकरीबन 4-5 साल से ये बदलाव, सिर्फ 4-5 साल में इतना बदलाव, इतना बदलाव आ गया है। यहाँ फॉरेन सिंगर्स आ रहे हैं और सब कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पहले ये सब कुछ नहीं था, थोड़ा रिजर्व था, लेकिन आज सऊदी बहुत ओपन। तो ये सारा चेंज वो जो नए प्रिंस आए हैं, प्रिंस के आने के बाद से आस्ते आस्ते रिफॉर्म्स आते गए। वो 38 साल के हैं शायद, मैं 85 का उनका बर्थ है, और बाहर पढ़े हैं, US वगैरह में पढ़े हैं और यहाँ भी पढ़े हैं, तो उन्होंने काफी रिफॉर्म किया है और काफी चेंज किया है यहाँ पे। अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई इनको, तो इसके वजह से सब आप जो चेंजेस देख रहे हैं, जो नहीं तो पहले ऐसा नहीं था, ऐसा संभव नहीं था कि आप जाके किसी का वीडियो बना लें या कहीं कर लें। ये हाँ वीडियो तो बना ही नहीं सकते थे। अरे मैं कितनी जगह आपको कैसे कैसे बताओ, ऐसे बताएंगे तो आपको हंसी भी आएगा। आप यहाँ से वीडियो बना रहे हैं, पीछे कोई सऊदी फैमिली दिख गया, वो आके आपसे झगड़े कर लेगा। अच्छा, वो आपको जहन में भी नहीं है कि कोई पीछे था। अच्छा, ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन चले देर आए दुरुस्त है। तो हमारे जो ये साइड में आपको ये मार्केट दिख रही होगी, ये मार्केट है कपड़े की मार्केट, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, आर्मी, पुलिस, सरकारी ऑफिस, मिनिस्ट्रीज, सबके ऑफिसर्स का ना कपड़ा यहीं से मिलता है, यहीं पे सिलाई होती है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे पैसे दे देती है सिलाने के लिए, खुद ड्रेस नहीं देती। तो मैं हूँ अभी रियाद में ही, ये पीछे से देखिए सूरज चमक रहा है तो कभी कभी आ रहा है, तो मेरे साथ में है सर अभय। सर कैसे हैं सर? आई एम फाइन, थैंक यू। अभय सर से मेरा मिलना हुआ, अभय सर यहाँ पे 35 साल से हैं, तो उनका फ़ोन आया था और हम दोनों का मिलना हुआ, और मिलके बस मैं उनके ऑफिस चला गया और काफ़ी देर तक हम वार्तालाप करते रहे। अभी 2-3 घंटे के बाद में अभय सर मेरे को वापस ऑफिस छोड़ने जा रहे हैं। तो पीछे एक रेस्टोरेंट दिखा हमें, तो उसका नाम था बिलियनियर। बिलियनियर, तो बिलियनियर रेस्टोरेंट है, और सर बता रहे हैं कि बस इसमें बिलियनियर्स ही आते हैं, तो एक टाइम का अगर कोई खाना खाने आता है तो 25,000 रियाल का खर्चा है। 25,000 रियाल का मतलब हो गया कि 5 लाख रुपए में खाना पड़ेगा भाई उसका एक टाइम का। तो ऐसे ऐसे रईस लोग रियाद में रहते हैं। आपको 35 साल हो गए, तो कैसा बदलाव देखा आपने, वो तो बताओ थोड़ा। लास्ट 5 or 6 years बिकॉज देर आर चेंजेस इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्लस चेंज इन द किंग वाज चेंज हियर एंड वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इन द कंट्री टुडे इज मोहम्मद बिन सलमान एंड ही हैज मेड लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द कंट्री। जनरली द पीपल आर वेरी वेरी हैप्पी comparing to what they used to be few years back. The visa process is much more easier. Very easier than what it used to be before. And you know, the country has basically opened up. तो सर एक चीज और बता दीजिए, जब आप 35 साल पहले आए थे तो कैसा सऊदी था, एक कुछ शब्दों में आप कहना चाहोगे? I won't say it was backward, it was still developed. But in comparison to today, it was probably 10% developed. Just 10%. You know, at that time, there was in Riyadh, there was only one shopping mall called Akariya. Today, there are close to 30 shopping malls. Very big size, international standards. All the brand names are here. You know, this was never here before. Never. पहले का जो lifestyle था, मैं सुनता हूँ जैसे कि कैमल पे ही वो लोग जाते थे, वो करते थे, जब आप आए तब तक तो काफी चेंज हो चुका था। या ऑफ कोर्स इट वाज चेंज, सो बिकॉज़ आई स्टेड मोस्ट पार्ट ऑफ माय स्टे इन सऊदी इन द सिटीज रियाद, सो इट वाज डेवलप्ड, सो पीपल वेर स्टिल गोइंग इनटू कैडिलैक्स नॉट ऑन कैमल्स, सो दिस इज कॉल्ड शारत अहलिया। शारा मींस रोड, अहलिया इज द नेम ऑफ द रोड। तो सबसे पहला अच्छा रूट यही था यहाँ का, एंड यू नो दिस वाज बेसिकली द स्ट्रीट ऑफ रियाद। एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी इफ दे वांट टू कम टू रियाद दे विल कम ऑन दिस स्ट्रीट। ये सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ रियाद काफी बड़ी बनाई हुई है सर ये। यस, वेरी बिग, एक्सट्रीम कलेक्शन ऑफ बुक्स, ओनली इन द अरबिक और एवरी लैंग्वेज, अरबिक, इंग्लिश, सम फ्रेंच बुक्स आर देयर आल्सो। कहीं पे जाओ और नवोदय ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच भाई, हम लोग यहाँ पे आए हैं, डिनर विनर किया, थोड़ा मस्ती किया, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। कौन से नवोदय से हैं? आई एम फ्रॉम त्रिशूर नवोदय केरला, आई एम वर्किंग हियर फॉर मोर देन 12 इयर्स नाउ, वर्किंग विद। व्हाट अबाउट यू?
कितना साल हो गया? लास्ट 3 इयर्स हुआ। आप तो भाई के भाई हैं। आई एम जस्ट अ बिजनेस ट्रिप हियर। ओके। आई बिलोंग टू दुबई। आई एम वर्किंग इन दुबई। ओके, यू वर्किंग इन दुबई। फ्रॉम रियाद वी विश हिम ऑल द वेरी सेफ एंड मोर एक्सप्लोरिंग जर्नी। थैंक यू सो मच। सो लेट इस ट्रिप बी सो मच सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच।